परिचय बताइए जी। मैं हिंदू जन जागृति समिति का उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य समन्वयक विश्वनाथ कुलकर्णी बोल रहा हूँ। आज इसलिए आप आए हुए हैं जी? यहाँ पर प्रयागराज के करेली क्षेत्र में यूनाइटेड मेडिसिन नाम से अस्पताल है और यहाँ पर एक मुकेश मिश्रा नाम से व्यक्ति की बेटी खुशी को एडमिट किया था पेट के दर्द के लिए। 2,25,000 रुपये लेकर उनका ऑपरेशन किया गया, उसके बाद उसको ठीक नहीं हुआ तो दोबारा ऑपरेशन किया गया जिसके लिए 5,00,000 रुपये की डिमांड की गई, पर परिवार वो 5,00,000 रुपये देने में सक्षम नहीं था तो फटे पेट के साथ बिना टाके लगाए उसको गेट के बाहर कर दिया और उसके बाद किसी भी अस्पताल ने उसको भर्ती नहीं किया और उस खुशी की बच्चा मतलब मौत हो गई। तो पैसों के लिए किसी की इस प्रकार बिना टाके लगाए उसको बाहर कर देना यह एक प्रकार से हत्या ही है। हम हिंदू जन जागृति समिति का जो वैद्यकीय क्षेत्र का उपक्रम है आरोग्य सहाय समिति, उस समिति के माध्यम से ये मांग करते हैं कि इसमें जो भी कर्मचारी डॉक्टर दोषी है उन पर धारा 302 के तहत हत्या का मामला दाखिल किया जाए और ये जो यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल है ये अगर इसमें दोषी पाता है तो उनका लाइसेंस रहित किया जाए, ऐसी मांग हम इस कर रहे हैं और इसके लिए आज हमने यहाँ ADM प्रशासन के द्वारा योगी आदित्यनाथ जी से शिकायत की है और हम आशा करते हैं कि गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। इस प्रकार ये घटना ऐसी होती रहेगी तो गरीबों को न्याय कब मिलेगा? तो योगी जी से हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई यूनाइटेड मेडिकल अस्पताल और सभी दोषियों के ऊपर हो, ऐसी हमारी मांग। आज आपने किनको ज्ञापन सौंपा? जहाँ ADM प्रशासन को हमने ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर जरूर कार्रवाई होगी, आज ही वो इसको मुख्यमंत्री जी के पास भेजने वाले हैं और हम जरूर इसमें न्याय दिलाने के लिए अंत तक लड़ाई करेंगे।